पता नहीं है, मेंढक के मरने का इशू बना दिया इन लोगों, इनकी वजह से आया इन्वेस्टिगेटर। इट्स सो नॉट फेयर मैन, सो नॉट फेयर यार। उत्कर्ष उस मेंढक को अपनी माँ मानता था और अयाज ने उत्कर्ष की माँ को मार दिया राहुल, वो भी इंटेंशनली। ये पनिशमेंट जो मिली है ना उसे, ये भी बहुत कम है। इट इज राइट, अयाज ने बहुत बुरा किया उस बेचारी के साथ। Like really? कोई मेडक को अपनी माँ मानता है? So sick! पागल है ये लड़का। आयास की जगह ना इस पागल को स्कूल से निकालना। Just shut up! How can you be so mean? किसी के इमोशंस के साथ मजाक करना? Come on! सिड, उर्मिला बुला रही है। चार्ली यार, मैं मॉम से मिलकर आऊँ। I'll see you. What's wrong with him? ये भी जा रहा है। कर्ज का साइड ले रहा। कम हियर सन। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट जाकर सच का साथ दिया। हम प्रतीक राजपूत, मेरे डैड, वो हमेशा सही का साथ देते थे। अयाज ने जो भी उत्कर्ष साथ किया, मैं उसे कवर अप नहीं कर सकता क्योंकि उसने बहुत गलत किया। ही डिड अ क्राइम, और मैं किसी क्रिमिनल के साथ नहीं हो सकता। यू डिड अ नाइस जॉब, आई एम ग्लैड यू डिड दैट। सिर्फ मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम कुछ कहना चाहते हो। You want to talk about it right now? No, Mom. I think I'm fine. जो भी कुछ हुआ उन सब चीजों को देखकर मैं सब भूल गया हूँ. That's okay. Then you should go back to your class. And I'm going to speak to you soon. I must check on Utkarsh. ना जाने मेरे बच्चे की कैसी हालत हो गई। तुम जाओ उसके पास। ओके मैम, मैं उनको भी ये बात बता देता हूँ। उत्कर्ष, हमें माँ को दफनाना होगा। चलिए क्या बोल रहा है, मैं अपनी माँ को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। उत्कर्ष माँ मर चुकी है, ये सिर्फ उनका शरीर है। उत्कर्ष पार्ट की बात सुन ले उत्कर्ष, और इसमें दफना दे। मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। बात समझ उत्कर्ष, मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। उत्कर्ष, उत्कर्ष मैम प्लीज इन लोगों को समझाइए। मैम ये लोग कह रहे हैं मैं अपनी माँ को दफना दूँ। मैम मैं उन्हें अपने से दूर कैसे जाने दे सकता हूँ? वो चली जाएंगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैम मैं जानता हूँ यहाँ पे सब मुझे पागल समझते हैं कि मैं एक मेंढक को अपनी माँ मानता हूँ, लेकिन मैम मेरी माँ एक मेंढक के रूप में ही सही मेरे साथ तो थी। उन्होंने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है, मैं उन्हें छोड़ के जाने नहीं दे सकता। मैं उन्हें नहीं दफना सकता। मैम वो चाहती तो कब का मुझे छोड़ के जा सकती थी, लेकिन कभी छोड़ के नहीं गई। लेकिन वो जानती थी कि मुझे माँ की कितनी जरूरत है, और एक एक बच्चे को अपनी माँ की कितनी जरूरत होती है। उन्होंने उन्होंने हमेशा मुझे गलत सही में फर्क सिखाया। मैम मेरे साथ तो हमेशा बचपन से सिर्फ सियाली थी, उसके अलावा कोई नहीं था मेरा। लेकिन फिर भी जो एक माँ की कमी थी वो इन्होंने पूरी करी। मैंने अपने से दूर नहीं कर सकता मैम, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ।
मैं उन्हें नहीं दफना सकता। माँ प्लीज एक बार बोलो ना। उत्कर्ष प्लीज उन्हें खुशी खुशी जाने दे। तुझे रोता देख उन्हें बहुत तकलीफ होगी। प्लीज उत्कर्ष तो ये समझ कि कम वक्त के लिए ही सही। लेकिन वो तेरे साथ तो थी ना, अब प्लीज उन्हें जाने दे उत्कर्ष। और तू अकेला नहीं है उत्कर्ष, हम हैं ना तेरे साथ, तेरी पूरी फैमिली तेरे साथ है, हम तीनों तेरे साथ है। प्लीज उत्कर्ष। काश मैं तुझे बता पाती मेरे बच्चे कि तेरी माँ जिंदा है और वो तेरे बहुत पास है। कम विद मी सन। Thanks, darling. I promise, I'm there with you. अभी माफ नहीं करूंगा आयाज को इसके लिए।